नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब तैयारियों में जुट गई है। चंबल संभाग के भिंड जिले में कुशवाहा समाज का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावों की तैयारियों में लगा दिया। वहीं लौंजी विधायक हिना कावरे एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंची, जहां कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं संग जगह जगह फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। हिना कावरे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। वैसे तो मैं आई हूँ सामाजिक सम्मेलन में, लेकिन जिस तरीके से मैं ग्वालियर से निकली हूँ और जो उत्साह कांग्रेस के लोगों में है, निश्चित रूप से आने वाला समय परिवर्तन का है। और हम लोग, मैं चूंकि बालाघाट से आती हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर यही माहौल है कि सबसे जबरदस्त माहौल कांग्रेस का यहाँ पर है। और मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि लगातार उसका असर भी मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे प्रियंका जी की रैली में भी मैं उपस्थित हुई थी और वो जो उत्साह था, निश्चित रूप से ये उत्साह जो है वो वोट पे कन्वर्ट होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेगी। और खासकर जो मेगा विधानसभा है, सभी लोगों के दिल दिमाग में यही बात है कि इस बार हमको हर हाल में ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी सभी सीटों पर दूसरे राज्यों से अपने नेता को बुलाकर एक सर्वे कर रही है, जिससे राज्य की कमी को जाना जा सके। वहीं बिहार से भिंड आए प्रवासी विधायक और पूर्व मंत्री महावीर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार और उनके विधायक अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि भिंड जिले में विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास हुआ है। जाते जाते हमको वार्ता का आदेश मिला है, प्रेस वार्ता करिए, जो देखे हैं उसको बताइए। इसी संदर्भ में आप लोगों को हमने आज आमंत्रित किया है। भाजपा की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप भिंड में? हम 100% हैं। हमारे चारों जगहों पे मैंने घूमा, पांचों मंडलों में गया घूमा, समाज के हर वर्ग के लोगों से मिला, हर धर्म के लोगों से मिला और चर्चा किया। सब भारतीय जनता पार्टी सरकार से खुश है। क्राइम यहां रुका है, विकास दर बढ़ा हुआ है, आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, सड़कें बन गई हैं, बहुत से काम हुए हैं। अब इतना कोड़ जो भारत कांग्रेस ने दे दिया था, उस बीमारी को धीरे धीरे नदुरुस्त किया जाएगा। धीरे धीरे भाजपा उसको दुरुस्त कर रही है। आने वाला समय में आप लोगों को हमने बताया है कि 27 तक इसकी अर्थव्यवस्था तीसरा स्थान पर आ जाएगी। गुना के संजय स्टेडियम में दो दिवसीय विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 26 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 10 टीम बालिका वर्ग की थी। वहीं कबड्डी में मॉडर्न चिल्ड्रेन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा वसुंधरा पराशर का शानदार प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि कक्षा 9 के छात्र ने अपने हुनर से कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया और गुना विधायक गोपीलाल जाटव, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन, नकराली सहित अतिथियों ने विजेता टीम को गोल्ड मेडल सौंपा। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के निर्देश पर फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कि जिन लोगों के खिलाफ हवाई फायर करने, रंगदारी वसूलने, हत्या के प्रयास और लूट के मामले में मामला पंजीबद्ध है, उन आरोपियों को एनएसए वारंट जारी किया गया। इसी के तहत थाना सिटी कोतवाली प्रभारी के निर्देशित किया गया। वहीं थाना सिटी कोतवाली टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर कई बार दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनएसी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और ये तीनों अपराधी के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,000 रुपए का इनाम प्रत्येक पर घोषित किया गया। इन तीनों अपराधी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे कायम थे कोतवाली में, और मुखबिर की सूचना मतलब कॉम्बिंग दस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित टीम के द्वारा
सूचना मिली और इनको तीनों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया गया, जिसमें ऋषि यादव जो है उसके पास से 12 बोल की बंदूक और 2 जिंदा राउंड बरामद। उसी प्रकार अनीश टेड़ा और विष्णु यादव के पास से पूर्व में उनके द्वारा जो अपराध घटित किया गया उसमें प्रयुक्त होने वाली 315 बोल के 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड बरामद। वही मामला बरौली थाना अंतर्गत मालपुरा का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के परिजनों ने तुरंत भारोली थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भारोली थाना पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच करने के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये परसराम है मल्लपुरा गांव के, इन्हें गोली लगे विवाद में, कोई जमीनी विवाद था जैसे पड़ोसी गांव के हैं, उनके भाई हाथ में गोली लगी, अस्पताल आए इलाज के लिए। तो हमने जिले पर कायम किया अपराध, अभी मछला पर कायम बने के भेज रहे हैं, तस्दीक करा रहे हैं मामले की। कितने लोगों के खिलाफ मामला? 4-5 लोग बता रहे हैं, तस्दीक करवा रहे हैं हम लोगों की। जमीन के बारे में विवाद हुआ था सर, और धर्मेंद्र ने गोली मारी और उनके साथ दिनेश दीप सिंह और फेरन सिंह और लाखन सिंह दो लोग थे। कहाँ गोली मारी, किस जगह? हमारे खेत में। अच्छा, कहाँ गोली, कहाँ लगी है तुम्हारी? हमारे बांह में लगी है। किसने मारी गोली? धर्मेंद्र ने। और आइए अब आपका सीधा ले चलते भोपाल के जंबूरी मैदान में, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मेरी लाडली बहनाओं की और मेरे भांजे और भांजियों की, प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। ये भाई और बहन का प्रेम अमर प्रेम है, स्नेह प्रेम आत्मीयता, ये प्यार का पवित्र रिश्ता। मैं आज यहां बैठी हुई और पूरे मध्य प्रदेश के हर पंचायत और वार्ड में बैठी हुई मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, शीश झुका के मेरी लाडली बहनाओं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन सम्मेलन जंबूरी मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर आपको बता दें भोपाल के जंबूरी मैदान में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम पहुंचे थे। चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राग बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। इसी पवित्र रिश्ते को आज प्रणाम करने आया हूं, और मेरी बहनों इस संकल्प के साथ आज मैंने आज भी अपनी लाडली बहनाओं के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूं और पूरी दुनिया को यह संदेश देता हूं कि मां बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, ये मानवता का धर्म है, धर्म। उनकी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, और संकट आए तो भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में प्रारंभ से मां बहन का बहुत सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा आया जिसमें बहन और बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पुरुष प्रधान हो गया समाज और बहनों को कई दुख झेलने पड़े। और यह दुख और तकलीफ है, मेरे मन को बचपन से पीड़ा देती थी, बचपन से तकलीफ देती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटा आए तो खुशी और बेटी आए तो मातम छा जाए। हालत इतनी खराब हुई कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति अपनी पत्नी को पीट दे और पीटते हुए रोते हुए दूसरे के घर में बचने घुसे और एक घंटे के बाद फिर रोटी बनाए। रोटी किसके लिए बना रहा हूं, बना रही हूं? बोले अब उनको भूख लगी होगी, मारे तो मारे, मेरा आदमी है। अब जब मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी और यह संकल्प पैदा होता था कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरी बहनों, वही संकल्प आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है, आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है। आज राखी का पावन त्योहार, मैं जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बलाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं, मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन जम्बूरे मैदान में आयोजित हुआ था। स्वयं शिवराज ने शिरकत की है और आपको बता दें कि स्वयं ने साफ कहा है कि हमारे देश में युगों युगों से मां बहनों की इज्जत करते आ रहे, लेकिन गुलामी के दौर में तस्वीरें जो थी वो बदल गई थी। और आपको बता दें कि भोपाल के जम्बूरे मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहनों, मैं जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बलाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं, मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। कर भरोसा बहन भाई की बात पर, हाथ रख दे यकी से मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। ये मेरे दिल की आवाज है, अंतर आत्मा की आवाज है। ये अपने भाई का, अपनी बहनों के लिए शुद्ध और पवित्र प्रेम है। मेरी बहनों, बचपन से जो तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में मैंने देखी, बेटियों की जिंदगी में मैंने देखी, उसी तकलीफ ने यह संकल्प पैदा किया कि अब बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे। और आज राखी का त्योहार हम मना रहे हैं, इतनी बहनों के साथ मना रहे हैं, गांव गांव में बहनें बैठी हुई है। मैं आज फिर, मेरी बहनों,
आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बहनों की दुख और तकलीफ मिटाना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। शायद भगवान ने इसलिए चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है कि मैं अपनी बहनों की तकलीफें दूर कर सकूं। और बहनों, मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता। अरे बहनों में जाति का भेद क्या करना, बहनों में धर्म का भेद क्या करना, सारी बहनें मेरी बहनें, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटी तो बेटी है और बहन तो बहन है। और जब तक ये बेटी सशक्त नहीं होगी, ये बहनें सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, तब तक देश भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए अगर मैं बहनों के सशक्तिकरण की बात करता हूं तो मैं समाज को ताकतवर बनाने की बात करता हूं। अगर मैं बहन को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, तुम्हारे दुख दूर करने की बात करता हूं, तो मैं प्रदेश के दुख दूर करने की बात करता हूं। यह मिशन है हमारा, बहनों का सशक्तिकरण। और सुनो मेरी बहनों, पहले भी अनेकों योजनाएं बनाई, आज उनका विस्तार से मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं कि बहनों को सशक्त अगर बनाना है, बहनों को आगे अगर बढ़ाना है, तो कई कदम अब तक आगे उठाए हैं और आगे और भी कदम उठाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में ध्यान से सुनना, बहन और बेटियों के लिए पहली चीज है सुरक्षा और सम्मान। बोलो, बहनों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो सब बहनों, होना चाहिए कि नहीं? बहनों की सुरक्षा और तुम्हारा सम्मान भाई के लिए सर्वोपरि है। और भाई के रहते हुए बहनों का सम्मान कैसे होगा? और इसलिए मेरी बहनों, कई कदम हमने उठाए, हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर बहनों के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, कोई कोई दुराचार करेगा बहनों के साथ, अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। बोलो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? अरे आज भाई से बात करो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और अपनी जगह बैठ के सुनो, मेरे साथ मत चलो, बाद में मैं सबसे मिलूंगा। बोलो, जो दुराचारी हो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने एक फैसला और किया कि जितने शराब की दुकान के सामने शराब पीने के अहाते हैं, वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू की दुकान पे अहाते नहीं होंगे। बोलो, बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो अपने भाई के साथ, बंद होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है बहनों, और सम्मान ये मेरी पहली जवाबदारी है। और इसके साथ आज मैं एक संकल्प और ले रहा हूं मेरी बहनों, एक संकल्प और के प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा। और अब शराब नीति, जहां बहनें नहीं चाहेंगी, आधी से ज्यादा बहनें नहीं चाहेंगी कि दारू की दुकान हो, अगले साल से दारू की दुकान भी बंद कर दी जाएगी। क्योंकि नशा सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है, तो बहनों की जिंदगी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है। और इसलिए मेरी बहनों, कोई भी वो चीज मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं पहले बोल लूं राखी, बाद में बांधना, खूब रुकूंगा आज,
जल्दी नहीं है जाने की। पहली चीज आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा मेरी बहनों, और दूसरी चीज उसके लिए भी मैं ला दे दूं, जल्दी दे दो बोलना है, और दूसरी चीज उसका भी मेरी बहने जरा ध्यान से सुने, मेरी बात सब सुन रही है, अरे मेरी बात सब सुन रही है तो सुनो। दूसरी चीज है हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनको अगर सशक्त करना है, उनको अगर ताकतवर बनाना है, उनको अगर अत्याचार से बचाना है, अगर उनको और आगे देखना है तो हमने एक बात की कि सारे चुनाव नगर पालिका नगर निगम के उन सारे चुनावों में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया ताकि बहनें चुनाव लड़े। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।